गोटे प्रोजेक्ट रेन्यू टू तो इन मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम इनिशियली वी विल टेक वन वेरिएबल, ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले लो, इनिशियल वैल्यूज वाई. नाउ वाई y ch equal to y small y or ch is equal to capital y means अगर आपके पास ch की वैल्यू कैपिटल y है या स्मॉल y, लूप कंटिन्यू रहेगा, ठीक है. और आपने लास्ट स्टेटमेंट में आपने ch को फिर से वैल्यू लेनी है, ठीक है. सपोज ये वेरिएबल ch नहीं है, आपने ले लिया सपोज इन प्लेस ऑफ दैट वेरिएबल इज सी, ठीक है. तो आपने यहाँ प्रोड्यूस किया, ठीक है. तो इट इज जस्ट लाइक ए वेरिएबल नेम, तो जो मर्जी ले लो. यस. नाउ आफ्टर दैट यू विल डिस्प्ले मेन्यू, ठीक है. देन द डिफरेंट लिस्ट ऑफ कमांड्स. यस, सिक्स, ओनली सिक्स. अभी तीन किया. यस सर. टू चेक योर प्रोग्राम एंड डिस्प्ले दैट, द फर्स्ट प्रोग्राम इज swap the element laying at the even location with old location. Dekho, yes. Then second program है, जितने भी प्रोग्राम है आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पहले टाइप करनी है, ठीक है, जो भी डिस्प्ले करना है. टू स्वैप लिस्ट में आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, ये प्रोग्राम हमने किया हुआ है. Then third program is to search an element in a tuple. So I am making only three programs here. ठीक है. तो अब आपने क्या करना है यहाँ पे in एक six program. हमने तो सारे बनाए. Yes. तो in choice one. अब हमने क्या करना है, एलिमेंट एट इवन लोकेशन, ठीक है. इवन लोकेशन का मतलब है कि सपोज आपके पास एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, 50, 60. तो दिस इज जीरो प्लेस, दिस इज वन प्लेस, टू थ्री प्लेस, 4, 5. The question is, you will replace the element at the even location with old location. Means zero element, zero location में जो value है वो first location में जो value उसके साथ replace हो, ठीक है. इसका मतलब 20 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा. 20 zero is even, ठीक है. तो zero वाली value इधर चली जाएगी, it means यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 10, ठीक है. यहाँ पे 40, यहाँ पे 30, यहाँ पे 60, यहाँ पे 50. क्लियर. तो आपने वर्क कैसे करना है, यू विल गेट द इनपुट ऑफ एलिमेंट्स, देन स्टार्ट द लूप
Now ei and here is I plus one next element. ठीक है, आप नेक्स्ट एलिमेंट के साथ इसको ऐड कर रहे हो ना उसको. इज इक्वल टू एल आई. यस, हियर इज आई प्लस वन एंड हियर एल आई. ये स्वैप हो जाएगा. ठीक है, हम क्या करते हैं इसको एक ये सिंपल सा प्रोग्राम अलग से पाइथन में कॉपी करके इसको इंप्लीमेंट करते हैं. Here will be length of L. But here will be one problem. Krish, देखो, इसमें एक problem आएगी. और मैं discuss कर रहा हूँ अभी. देखो, कि problem ये आएगी कि इस problem में जो मैंने coding किया था, तो उसमें अगर आपके पास एक element है 10, ठीक है, 20, 30. तो जब आप 10 को 20 के साथ रिप्लेस करोगे, 20 इज हियर और 10 यहाँ पे आ जाएगा. अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, 30 इधर आ जाएगा, 10 इधर. तो इट मींस यस, तो गैप बीच में आना चाहिए. तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो के बाद सीधे कहाँ पे आना चाहिए, टू के. ठीक है, तो यस बेटा, नहीं आया, आई प्लस वन के कर रहे हैं हम. So here is starting from first location is 0 up to the last location. ठीक है, last element जो भी है, पर हमें gap कितने का चाहिए, 2 का. length तो वैसे कितनी है, ठीक है, this is first element. जितना लास्ट एलिमेंट वन स्टेप पीछे चलता है, यहाँ पे अगर मैं 10 देता तो 9 तक जाना है. ठीक है, ये तो हमारा हो गया लास्ट एलिमेंट. और गैप हमें चाहिए 2 का. ठीक है, तो इसको हम बंद करते हैं. हियर इज 10, 20, 30, 40, 50, 60. Yeah. So this is the exact coding. So आपने arrays coding आपने exactly आपने file बनाने project file आपने इसको यहाँ पे replace कर दिया. Total 6 है. Now in case user press 2. तो सेकंड प्रोग्राम ऑल द नेगेटिव वैल्यू रिप्लेस बाय -1, पॉजिटिव वैल्यू बाय +1. वो लिख देंगे अगर लेस देन 0 तो हियर इज प्रोग्राम इज तो फर्स्ट वी विल गेट द इनपुट ओके ऑफ डिफरेंट अभी लिस्ट इनपुट. ठीक है, लूप को एग्जीक्यूट करोगे आपने एंड ऑफ योर लेंथ 0 से स्टार्ट, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है. और ठीक है, हियर इज सपोज लेंथ इज 5, तो लूप 4 तक जाए. ठीक है, अब हमने रिप्लेस कैसे करना है इसको. इफ एल आई greater than 0, then L I equal to 1. क्योंकि 0 0 तो 0 रहेगा, उसको लगाने की जरूरत नहीं. L I smaller than 0 तो होगा, नेचुरली L less than नहीं होगा. ठीक है, L यहाँ पे, यहाँ पे पता क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इट विल आल्सो अपने यहाँ पे 0 को फिर वो कर देगा. ठीक है, तो आपने यहाँ पे लगाना है L. ठीक है, अगर आपने इफ यू वांट टू सेट एनी कंडीशन हियर, तो
एल आई इज लेस देन जीरो नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, इन दैट केस एल आई इज इक्वल टू माइनस वन एंड एल्स, तो एल आई में जीरो, अगर वैसे भी अगर आप नहीं यूज करोगे तब भी वर्क नहीं सेम होगा, ठीक है. तो आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम, माइनस 30 जीरो देयर इज 40 माइनस 5, सो पॉजिटिव वैल्यू विद 1, नेगेटिव वैल्यू माइनस 1 एंड जीरो विल रिमेन एज इट इज, क्लियर. देन सेम कोडिंग, next question is choice 3. So in case choice 3, here question is in your program write a program to initialize a tuple and search for an element in a given list of numbers. तो हमने फाइंड आउट करना है कि सपोज हमारे पास एक टपल है, उसमें से एलिमेंट्स अगर हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है. इफ यू वांट टू सर्च ए गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, नॉट अ सिंगल, एक से ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है. हियर इज So we will get the input of a list, enter a tuple of numbers, then this question is different data. Enter a list of numbers. Searching numbers. It's not easy, जो आपको देखने में लग रहा है बहुत easy है. तो जैसे मैं इसको पहले समझा रहा हूँ उसका meaning क्या होगा. Suppose आपने एक tuple enter किया. Tuple is suppose here is L या T कुछ भी ले सकते हैं. So suppose tuple is 10, 20, 30, 40, 50. And you will enter one searching list. So suppose that searching number could be a 10 or 5 and 20. So me ye bataya ki jaise ki 10 hai is tuple mein hai ki nahi hai, ye 5 is tuple mein hai ki nahi hai aur ye 20 tuple mein hai ki nahi hai. So it is not a single, हम ये नहीं कि एक सिंपल वैल्यू को सर्च कर रहे हैं, वी आर सर्चिंग मल्टीपल वैल्यूज, क्लियर. तो प्रोग्राम विल बी, वी विल टेक वन टपल जो हमने इनपुट के माना यूजर से, फिर हम यूजर से पूछेंगे कि उन्होंने कौन से नंबर सर्च करना है इन द शेप ऑफ लिस्ट, ठीक है. तो यूजर विल एंटर इन द शेप ऑफ लिस्ट द नंबर्स, ठीक है. अब आपने लूप स्टार्ट किया, अब आपने लूप आपने इस तरीके से स्टार्ट करना है. फोर आई इन डी जो जो एलिमेंट हमें सर्च करना है, ठीक है. तो उसमें फर्स्ट जैसे हमने इंसर्ट किया 10, 20, 10, 5, 20, तो आई में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा पहले, ठीक है. ये हमारे पास है डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स फोर, जहाँ पे हमने दे लिया है 10, 20, 30,
40, 50, ये हमारे पास कौन सा है लिस्ट है, कौन सा टप्पल है, दैट इज एल। ठीक है, हमने इनपुट करवाई है, देयर इज अ वन लिस्ट जिसमें हमने ले लिया 10, 5 एंड 20। तो यहाँ पे सबसे जब हम यूज करेंगे 4 आई इन डी, आई में पहली वैल्यू कौन सी होगी 10। ठीक है, अब आपने इसको कंपेयर करना है इसके साथ, कैसे करोगे देखोगे। इफ आई इन एल, ठीक है, अगर ये 10 इसमें है, ठीक है, तो अगर उसको मिल गया तो हमें क्या डिस्प्ले करना है, प्रिंट I is in the tuple, ठीक है, I में क्या आएगा 10, 10 is in the tuple। In case अगर नहीं है, else print I is not in the tuple। Krish in this in a one go वो check करने का पूरी पूरी list को, कहीं पे है कि नहीं है उसको, मिला कि नहीं मिला। ठीक है, तो rest of the things will not required here। ठीक है, now we are doing applying this, ठीक है, running this to set tuple ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट है बेटा, हिमांशु? नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्टूडेंट्स, नाउ आई एम सेविंग दिस प्रोजेक्ट वर्क एंड रनिंग इट। ठीक है, कंबाइन फाइल प्रोग्राम में कितने बन गए, 2 to 3, 2 to 6 प्रोग्राम्स आ गए, आउट ऑफ 6 3 मैंने, बाकी रेस्ट ऑफ प्रोग्राम आई विल डिस्कस। अभी कॉम्प्लीट है आपका, क्या चीज किया बेटा जहाँ पे, क्योंकि हम नोट पैड में टाइप किया हुआ, कहीं पे अगर आपके पास कुछ इंडेंटेशन प्रॉब्लम हो सकती है तो यहाँ पे मैं ठीक कर रहा हूँ इंडेंटेशन। एलिफ बिल्कुल एग्जैक्ट इफ के साथ आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हम नोट पैड में मैंने चेंजेस की थी, अगर आप उसमें करोगे पाइथन में, देयर विल बी नो एनी इंडेंटेशन प्रॉब्लम। ठीक है, लाइक एल्स मेन्यू
then name of the different function programs. Then if I press 1, so it will get the input of the list. Okay. So here is a swap values are here. Do you want to continue? If I press Y, then again, suppose I type 2. No. If I type me continuity in case I press N or any other character. Okay. Enter the list of numbers. I enter 10, 20, 30, 40. And searching element is the program first. Have you tuple in that way? Second program list of number. I'm running this program again. Oh, here is. Person. I press 2. You can enter the list. 10, 20. You have to come up the list to another 10, minus 3, 6, 0. The element is positive element with 1. Negative element minus 1. Okay. Do you want to continue? Yes. If I press 3, to me tuple input 10, 20, 30. Jo aapne search karna hai, maine ek list type ki only 10. I want to search. So aapke paas kyunki और आपका क्वेश्चन है अगर आपने इफ यू प्रेस एनी अदर की ये देखो बेटा आई प्रेस एनी अदर की ठीक है मैं है वो प्रॉब्लम इज दैट कि हमने जो थर्ड प्रोग्राम की कोडिंग को यहां पर रिप्लेस नहीं किया था ठीक है व्हिच कौन सी हो रही कोडिंग ऑफ मेन्यू 1 सो दिस इज योर प्रोग्राम हाउ टू मेक द प्रोग्राम ठीक है नाउ रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर हियर इज क्वेश्चन नंबर 4 राइट अ प्रोग्राम टू इनिशियलाइज अ टपल एंड ट्राई टू मॉडिफाई एनी ऑफ इट्स वैल्यू यूजिंग पैकिंग एंड अनपैकिंग वेरी गुड क्वेश्चन होगा ठीक है क्योंकि इन अ टपल वी कांट चेंज द वैल्यूज ठीक है मेरे पास अगर कोई लिस्ट में कर देंगे फिर सारा एलिमेंट अनपैक करके गुड ठीक है तो कन्वर्ट दैट टपल इनटू लिस्ट लिस्ट फिर अनपैक कर देंगे ठीक है दैट इज कॉल्ड अनपैकिंग ठीक है उसको चेंज कर देना आपने फिर और उसके बाद फिर से टपल में कन्वर्ट कर देना बन जाएगा ये प्रोग्राम हां जी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी विद ई नंबर ई नेम सेल सेल नो आपको देखना पड़ेगा कि आपने की किसको बनानी है क्योंकि यहाँ पे ई नंबर भी है ई नेम भी है ई सैलरी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमेशा ही की और वैल्यू होती है ठीक है अगर एक से ज्यादा आप वैल्यू बनाओगे तो आपको नेस्टिंग करनी पड़ेगी ठीक है तो मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट टेक दी वन एम्प्टी डिक्शनरी हियर हमने लेनी है ईएमपी दिस इज योर एम्प्टी डिक्शनरी ये देख लो बेटा नाउ नंबर ऑफ इम्प्लाइज एंटर नंबर ऑफ इम्प्लॉय
फोर आई इन रेंज एन, तो फाइव इंप्लाइज फाइव एन चलेगा, ठीक है। फर्स्ट आपने ई एम नंबर को ई नंबर को इनपुट दी, ठीक है, इट इज इंटीजर नेचर, तो इनपुट एंटर, इसको हम की ले लेते हैं, बाकी को हम वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो ई नंबर विल बी ई एंड रेस्ट ऑफ द टू वेरिएबल वैल्यूज विल बी नेस्टेड, लिस्ट भी ले सकते हो, टपल भी कुछ भी ले सकते हो। तो एंटर ई नेम, सेकंड वन इज हियर इज ई नेम इनपुट एंटर ई नेम देन ई सैलरी, तो ई सैलरी फ्लोट मेजर की है, ई नुमेरिक है, लास्ट में अपने अब आपने कैसे क्रिएट करनी है डिक्शनरी, पहले आप लिस्ट बना लो, ठीक है। ईएमपी इज ए डिक्शनरी, इसमें की आपकी है ई नंबर इक्वल टू वैल्यूज स्क्वायर ब्रैकेट में ई नेम कॉमा ई सैलरी, देन आफ्टर दिस डिस्प्ले ईएमपी पर क्वेश्चन है कि कौन से डिस्प्ले करने हैं, हमने ओनली दी हैविंग मोर देन सैलरी 20,000, वो लेटर ऑन टुमारो वी विल डिस्कस इन दिस, तो हियर इज नंबर ऑफ इम्प्लाइज टू, ठीक है, इम्प्लाई नंबर वन ए बी सी सैलरी 40,000, टू सो दिस इज योर कंप्लीट प्रोग्राम, मेरे मन को डाउट है, जैसे कि बैठा है।